हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल LTN, लेट्स टॉक नर्सिंग। आज हमने एक टॉपिक चुना है नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स से। टॉपिक है हमारा सेंट्रल टेंडेंसी। आज हम सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में बात करेंगे कि सेंट्रल टेंडेंसी होती क्या है, व्हाट इज द मीन ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, व्हाट इज सेंट्रल टेंडेंसी, व्हाट इज द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। आज सारी चीजें इस टॉपिक में डिस्कस की जाएंगी। इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरी वीडियो देखें, वरना आपके कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी की डेफिनेशन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन देखेंगे हम, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि एग्जाम में हमेशा सेंट्रल टेंडेंसी पूछी जाती है, मीन मीडियन मोड, ना कि स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह, कोएफिशिएंट्स वगैरह, ऐसी चीजें नहीं पूछी जाती, क्योंकि वो उनमें टाइम ज्यादा लगता है करने में। लगभग यही चीजें पूछी जाती हैं, सेंट्रल टेंडेंसी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए सेंट्रल टेंडेंसी हम स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन, अ सेंट्रल टेंडेंसी रेफर्स टू अ सेंट्रल वैल्यू और अ रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑफ अ स्टैटिकल सीरीज और सेट। यानी कि सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब ये है कि एक एवरेज वैल्यू होती है एक स्टैटिकल सीरीज की। यानी कि कोई भी एक सीरीज है, स्टैटिकल सीरीज है, यानी कि उन्होंने सेट बना के दिया है, कोई सीरीज दी है, उसकी एक एवरेज वैल्यू निकालना सेंट्रल टेंडेंसी के द्वारा। और वो हम कई मेथड्स के द्वारा निकालते हैं सेंट्रल टेंडेंसी होती क्या, इसको हम एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। मान के चलिए कि एक कम्युनिटी में कितनी फैमिलियाँ रहती हैं। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल में लिया है कि एक कम्युनिटी में 5 फैमिलियाँ रहती हैं, 1, 2, 3, 4, 5। और पांचों फैमिली की मंथली इनकम कितनी है, मंथली इनकम देखनी है हमें। पहली फैमिली की मंथली इनकम 10,000 रुपये है, दूसरी फैमिली की मंथली इनकम 15,000 है, तीसरी की 20,000 है, चौथी की 12,000 है, पांचवी की 8,000 है। तो बाहर से कोई अगर चेक करने के लिए आता है कि इस कॉलोनी में जो भी वर्कर्स हैं, फैमिलीज हैं, उनकी एवरेज सैलरी कितनी है मंथली, तो आपको किस तरीके से बताना है कि आपको इस तरीके से तो बताएंगे नहीं कि हमारी उसकी फर्स्ट फैमिली की सैलरी 10,000 है, दूसरी वाली फैमिली की सैलरी 15,000 है, तीसरी की 20,000, चौथी की 12,000, पांचवी की 8,000। तो इस तरीके से आपको याद भी नहीं रहेंगे, ना ही आप इस तरीके से याद कर पाएंगे। तो इसके लिए एक मेथड होता है जिसमें क्या होता है कि हमें सेंट्रल टेंडेंसी निकालनी होती है। सेंट्रल टेंडेंसी में क्या होता है कि एक एवरेज वैल्यू निकाली जाती है उस कॉलोनी की, मंथली इनकम की एवरेज वैल्यू निकाल लेंगे। वो कैसे निकालेंगे कि जो फैमिली है, यानी कि मान के चलो 5 फैमिली है यहाँ पर, और पांचों फैमिली की इनकम यहाँ पर दी गई है, तो जो पांचों फैमिली की इनकम दी गई है यहाँ पर, इनको हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर। तो कितना कैलकुलेट हो रहा है, 65,000 आ रहा है यहाँ पर। और कितनी फैमिली है हमारी, 5 फैमिली। तो बाहर से कोई चेक करने के लिए आया तो हमें इस तरीके से नहीं बताएंगे, जो अभी बताया था कि फर्स्ट फैमिली की 10,000 है, दूसरी की 15,000, इस तरीके से नहीं बताएंगे। पहले हम 65,000 लिखा हुआ है उसमें 5 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 13,000 आएगा। तो हम जो एक्स मैन चेक करने के लिए आया है तो हम उसको बता सकते हैं कि हमारी कॉलोनी में जो एक एवरेज इनकम है फैमिलीज की, वो 13,000 है। लगभग एक अबाउट बोलेंगे कि 13,000 सैलरी है, 30,000 से ऊपर भी हो सकती है, 13,000 से नीचे भी हो सकती है, 13,000 से ऊपर भी हो सकती है। तो इस तरीके से हम सेंट्रल टेंडेंसी निकाल कर हम एवरेज वैल्यू निकालते हैं, ये होता है एवरेज, इसको बोल देंगे हम सेंट्रल टेंडेंसी। बताएंगे इस वीडियो में कि सेंट्रल टेंडेंसी होती है उसको किस किस मेथड से हम माप सकते हैं, उसको मेजर कर सकते हैं। यहाँ पर मेजर लिखा है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर्स मतलब होता है मेथड होता है मीजर्स का मतलब। यहाँ पर कई सारे मेथड्स दिए गए हैं। पहला मेथड है अर्थमेटिक मीन, AM इसको डिनोट करते हैं शॉर्ट फॉर्म में। दूसरा मेथड है मीडियन, तीसरा मेथड है मोड, चौथा मेथड है ज्योमेट्रिकल मीन GM, और पांचवा मेथड है हार्मोनिक मीन HM। तो हम इन पांचों मेथड्स के द्वारा हम सेंट्रल टेंडेंसी को हम डिफाइन कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो हम इसमें से पहला मेथड लेते हैं अरिथमेटिक मीन, यानी कि AM। तो पहला मेथड हम यहाँ पे लिख लेते हैं, लिखा हुआ है पहले से
एरिथमेटिक मीन, एरिथमेटिक मीन होता क्या है? मीन इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मीजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यानी कि मीन एक ऐसा मेथड है जो कि सबसे ज्यादा यूज किया जाता है सेंट्रल टेंडेंसी निकालने के लिए। सबसे कॉमनली मेथड होता है, कॉमनली यूज्ड मेथड है सेंट्रल टेंडेंसी का, जो कि सेंट्रल टेंडेंसी निकालने में मदद करता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेथड है ये। और एएम यानी कि अर्थमेटिक मीन होता क्या है? अर्थमेटिक मीन ऑफ अ सेट ऑफ वैल्यूज इज ऑब्टेंड बाई डिवाइडेड द सम ऑफ द वैल्यूज बाई दी नंबर ऑफ वैल्यूज इन दिस सेट। मीन इज डिनोटेड बाई दी एक्स बार। तो यहाँ पर हम जानेंगे कि ए एम यानी कि मीन क्या होता है। डिवाइडेड द सम ऑफ द वैल्यूज बाई द नंबर ऑफ वैल्यूज इन दिस सेट, यानी कि सम ऑफ द वैल्यूज, सम ऑफ द वैल्यूज डिवाइड किया जा रहा है किससे? नंबर ऑफ वैल्यूज सेट में, यानी कि सम ऑफ द वैल्यूज कौन है? यहाँ पे जिस प्रकार हमने यहाँ पे उदाहरण दिया था कि इनकम है, सम ऑफ द वैल्यूज, इनको जोड़ करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। सम का मतलब होता है कैलकुलेट, यहाँ पे जोड़ना किसी चीज़ को, यहाँ पे जोड़ लेंगे। उसके बाद इसको जोड़े हुए को हम डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे हम? यहाँ पर हमने फैमिली दी थी, यानी कि कितने नंबर्स ऑफ फैमिली में, यानी कि नंबर्स ऑफ वैल्यू इन दिस सेट, जो सेट में जो वैल्यू दी गई है कितने नंबर हैं उससे हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करेंगे तो उससे हमें क्या निकलेगा? मीन निकलेगा। और मेनली हम यहाँ पर एक चीज़ और देखेंगे, मीन इज डिनोटेड बाय द एक्स बार। जो मीन होता है उसको एक डिनोट किया जाता है एक्स बार के जरिए, यानी कि इसको एक्स बार के जरिए हम डिनोट करते हैं। किसी फॉर्मूले में लिखेंगे आप तो ऐसे नहीं लिखेंगे कि मीन, इसको एक शॉर्ट फॉर्म में बनाया गया है, इसका सिंबल दिया गया है एक्स बार। इसको हम एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। यहाँ पर हमने देखो, यहाँ पर एक उदाहरण लिया है, X1, X2, X3, यानी कि एक्स 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 करके बहुत काफ़ी सारी संख्याएं हो सकती हैं, इसलिए यहाँ पर एक्स नंबर कर दिया है, एक्स नंबर। और एन एन किसको डिनोट करेंगे? जो कि हमारा नंबर्स है, नंबर्स ऑफ वैल्यूज है, उसको हम जैसे कि यहाँ पर ऊपर दिया गया है नंबर्स ऑफ वैल्यू, इसको हम एन से डिनोट करेंगे। इसका एक क्या फॉर्मूला होता है? फॉर्मूला हम यहाँ पर दिया गया है, ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम में किसी प्रकार का क्वेश्चन आता है, अगर तुम्हें सवाल नहीं आ रहा है, करना नहीं आ रहा है, तुम्हें फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूला भी लिख के आओगे तो कम से कम उसका तुम्हें एक या दो नंबर एग्जामिनर देगा देगा। ऐसा नहीं होता है कि पूरा सवाल ही करके आना है, अगर तुम्हें कुछ थोड़ा सा भी आता है तो वो भी तुम लिख के आओ, उसमें कुछ ना कुछ एग्जामिनर नंबर देता ही है उसमें। तो फॉर्मूला क्या है इसका? एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ दी वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ दी वैल्यू, यानी कि सम ऑफ दी वैल्यू अभी बताया था, सम ऑफ दी वैल्यू, नंबर ऑफ दी वैल्यू, नंबर ऑफ दी वैल्यू, ये वाली हो गई। तो इसका फॉर्मूला है, इसको और ही एक ईजी तरीके से समझें तो ये होता है X1, X2, X3, सम कर लेंगे इनका यहाँ पर, प्लस प्लस अपॉन एन। इसका ये एक ईजी तरीका है, यानी कि जो भी यहाँ पर जो वैल्यूज दी गई हैं उनको इस प्रकार से हम जोड़ेंगे, पहले 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से, और उसमें जो नंबर्स हैं कितना नंबर आया है उससे हम उसे डिवाइड कर देंगे तो हमारा मीन निकल आएगा। ये भी फॉर्मूला है इसका, ये भी फॉर्मूला है इसका, ये भी फॉर्मूला है इसका, तीनों इसके फॉर्मूले हैं, लेकिन ये एक थ्योरेटिकल फॉर्मूला है। ये उससे भी जैसे कि हम किसी को समझ नहीं आता है तो उस प्रकार से उन्होंने इसको डिफाइन किया है। मेन फॉर्मूला आपको ये लिखना है एग्जाम में, ऐसे भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये लिखोगे तो और अच्छा होगा। एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स अपॉन एग। समेशन का मतलब होता है कैलकुलेट, टोटल किसी चीज़ को जोड़ना, जोड़ कर कितना आया है। एक्स है यानी कि एक्स जो हमारा जो जो भी हमारे पर वैल्यू है एक्स की, उन सारी वैल्यूज को हमें जोड़ कर समेशन करना है, हमारा जोड़ना है। और नीचे एन है, स्मॉल एन है, यानी कि कितना नंबर है, टोटल कितने नंबर है उससे उसको डिवाइड करेंगे, ये होता है इसका फॉर्मूला। चलिए फिर हम मीन को एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। द बर्थ वेट ऑफ 6 बेबीज आर 2.6, 3.3, 2.8, 2.95, 3.1, 3.2 सॉरी एंड 2.8 केजी। फाइंड द मीन बर्थ वेट, यानी कि
जो बर्थ वेट है, एक एवरेज बर्थ वेट फाइंड करना है आपको इसमें। अब वो किस प्रकार करेंगे, मीन का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। मीन का फॉर्मूला ये लिखा हुआ है यहाँ पर, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री डॉट 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 एक्स एन अपॉन स्मॉल एन। एक और फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर ऐसे भी लिख लो, कैसे भी लिख लो उसको, किसी भी प्रकार लिख सकते हैं आप। एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स अपॉन स्मॉल एन, यानी कि जो अभी बताया था नीचे में, मैंने अभी पहले समझाया था कि एक्स बार एक्स टू एक्स थ्री जो नंबर्स और वैल्यूज हैं, सॉरी जो सेट में दी गई जो वैल्यूज हैं वो वाली उनको डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पर जो वैल्यूज दी गई हैं 2.6 3.3 इनको हमें यहाँ पर इस तरीके से लिखना है। तो वैल्यूज हमें हमने यहाँ पर पहले से लिखी हुई हैं, ये वैल्यूज हैं 2.6 3.3 2.8 2.95 प्लस 3.2 प्लस 2.8 अपॉन 6, यानी कि 6 वैल्यूज किस, 6 यानी कि एन नंबर्स ऑफ वैल्यूज हमने यहाँ पर लिखा है। कितने नंबर्स में वैल्यूज है हमारी, 1 2 3 4 5 6, तो हमने यहाँ पर 6 लिख दिया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर समेशन का मतलब क्या होता है, इनको जोड़ना, कैलकुलेट करना है इन सारी चीज़ों को। तो यहाँ पर हम समेशन करेंगे, ऐसे हमने यहाँ पर इसका इसका ये यहाँ पर लिखा था, इसका हमने यहाँ पर लिखा है। इनको हमें सारी चीज़ों को ऊपर से जो नंबर्स लिखे हुए हैं, वैल्यू लिखी हुई है, उनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा कैलकुलेशन, 17.65। और नंबर्स ऑफ वैल्यू कितनी है, 6। इसको हम इसको कैलकुलेट करेंगे, यानी कि डिवाइड करेंगे इससे, 6 को 6 से इसमें डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, 2.94 वेट आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो एवरेज वेट निकला, जो मीन निकला बर्थ वेट इस बेबीज का, वो क्या रहा, द मीन बर्थ वेट ऑफ बेबीज इज 2.94 kg। ये क्या है, एक एवरेज वेट निकला है। तो समझ गए होंगे आप कि किस मीन किस प्रकार से निकालते हैं। अब यहाँ पर हम दूसरा एग्जांपल भी देख लेते हैं, मीन का ही है वो भी। The height of BSc nursing student are in centimeter, 160, 162, ऐसी ऐसी बहुत सारी वैल्यूज दी गई हैं, 60, 167 centimeters। Find the mean height of students, यानी कि एक average height हमें इसमें निकालनी है, find करनी है students की। और वो हम कैसे निकालेंगे, same ऊपर वाला जो हमने equation बताया था same इधर भी होगा, ऐसे ही एक्स बार इज इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री डॉट 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 एक्स नंबर अपॉन स्मॉल एन। एक्स वन किस प्रकार से लिखा है, ऐसे हमें सारी वैल्यूज यहाँ पे ऊपर नोट करनी है, और नंबर ऑफ वैल्यूज हमें यहाँ पर निकालना है। नंबर ऑफ वैल्यूज अब ऊपर बताया था उसी प्रकार से निकालनी है, यानी कि कितनी वैल्यूज हैं उनको गिनना है, उनको कैलकुलेट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 वैल्यूज है, तो हमने यहाँ पे 10 लिख रखा है। अब हम 10 से इसको डिवाइड कर देंगे, इसको 10 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 1657 अपॉन 10। जो फॉर्मूला है समेशन आपको बताया था मैंने, समेशन का मतलब होता है कैलकुलेट टोटल किसी चीज का। तो यहाँ पर x का कैलकुलेशन हो रहा है हमारा, जो x है ये सारी चीजें जुड़ चुकी हैं हमारी, तो कितना आया हमारा, 1657 अपॉन 10। तो हम इसको 10 से यहां पर कैलकुलेट कर देंगे, कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 16 5.7, यानी कि 165.7 आंसर आया है यहां पर। तो इसका आंसर क्या रहेगा, जी मीन बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट हाइट इज 165.7 सेंटीमीटर। ये एक एवरेज हाइट निकल के आ गई है बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट की, इस प्रकार हम इसे करेंगे। अब मीन का ही एक दूसरा मेथड है, यानी कि एक टेबल होती है, पहले तो हमने सिंपल वाला मीन निकाल लिया, ये हमें सिंपल तरीके से मीन किस तरीके से निकाला जाता है, ना ही यहाँ पर कोई कंटिन्यूस डाटा है ना ही कोई डिस्क्रीट डाटा है। लेकिन अब हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है मीन का डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी से,
यानी कि एक सेपरेट वैली होती है, एक अलग वैली होती है दोनों की, वहां पर उसकी डिस्क्रीट जो भी है उसकी फ्रीक्वेंसी दी भी गई होगी वहां पर, तो उससे हमें मीन फाइंड करना है। तो वो कैसे करते हैं, इन अ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल इफ द वैल्यू एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री डॉट 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 एक्स एन नंबर्स हैव द फ्रीक्वेंसी एफ वन एफ टू एफ थ्री डॉट 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 एफ नंबर्स देन द अर्थमेटिक मीन। यानी कि यहाँ पर ये कहने का मतलब यह है, जो यहाँ पर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी है, जो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी का टेबल है, जो वैल्यूज दी गई है उसको हम एक्स से डिफाइन करेंगे, और जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम एफ से डिफाइन करेंगे। उसका फॉर्मूला ये है, यहाँ पर एक्स वन एफ वन प्लस एक्स टू इंटू एफ वन एफ टू सॉरी प्लस एक्स थ्री इंटू एफ थ्री प्लस, ऐसे ही तरीके से और भी नंबर होंगे तो हम यहाँ पर जोड़ेंगे एक्स नंबर इंटू एफ नंबर अपॉन एफ वन प्लस एफ टू प्लस एफ थ्री प्लस फ्रीक्वेंसी नंबर्स। यहाँ पर क्या है, जो एक्स होता है और एफ होता है यानी कि फ्रीक्वेंसी, और जो वैल्यू दी गई है टेबल में यानी कि डिस्क्रीट वैल्यू, उसका हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है फ्रीक्वेंसी से। तो फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगी तो वो हम इस प्रकार से हम यहाँ पर नोट करेंगे, और नीचे जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं यानी कि फ्रीक्वेंसीज का हमें टोटल लिखना है। इसका शॉर्ट फॉर्म एक फॉर्मूला ऐसे भी है, ये केवल समझाने के लिए फॉर्मूला होता है। इसको फॉर्मूला ये है, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स एफ अपॉन समेशन एफ, ये है इसका फॉर्मूला यहाँ तक। अब इस पहला एग्जाम्पल देखते हैं। फॉलोइंग डाटा गिव्स दी एज ऑफ 60 स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट ईयर बीएससी नर्सिंग, फाइंड दी मीन एवरेज। यानी कि एक बीएससी नर्सिंग में 60 स्टूडेंट्स हैं, उनकी एक एवरेज एज फाइंड करनी है हमें। यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर जो इक्वेशन दिया गया है यानी कि क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर एज है एक्स, यानी कि एज इन ईयर्स, इसको एक्स से डिनोट किया गया है, यानी कि वैल्यू दी गई है, डिस्क्रीट डाटा है ये ऊपर का 18, 19, 20, 22, 23, ये डिस्क्रीट डाटा है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स हैं, फ्रीक्वेंसी, उसको फ्रीक्वेंसी से डिनोट करेंगे, एफ से डिनोट करेंगे हम यहाँ पर, तो 15, 28, 15, 2, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी इतनी है। यानी कि इसमें कहने का मतलब ये है कि 15 स्टूडेंट्स की एज लगभग 18 साल है, 20 की लगभग 19 साल है, 8 लोगों की लगभग 20 साल है, 15 लोगों की लगभग 22 साल है, 2 लोगों की लगभग 23 साल है। तो हम इस तरीके से नहीं बताएंगे, एक सेंट्रल टेंडेंसी निकाल के दिखाएंगे, एक एवरेज वैल्यू निकाल के दिखाएंगे। तो एवरेज वैल्यू हम निकालेंगे तो उसके लिए हमें फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा डिस्क्रीट डाटा का। डिस्क्रीट डाटा होता है मीन निकालने वाला, तो उसको हमें यहाँ पर लिखेंगे। फॉर्मूला ये लिखा हुआ है जैसे कि ऊपर बताया था मैंने, सेम फॉर्मूला है वही। तो एक्स बार अपॉन समेशन एक्स एफ अपॉन समेशन एफ दी मीन, यहाँ पर लिख लिया हमने, ये अलग है थोड़ा, इसको अभी नहीं पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो डाटा है, पहले इस डाटा को हमें इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। अब जो हमने यहाँ पर सारी वैल्यूज यहाँ पर हमने डिनोट कर ली है, एक्स की सारी वैल्यूज, एफ की सारी वैल्यूज, अब इसमें क्या करना है हमें, जैसे कि फॉर्मूले में लिखा था कि एक्स वन इंटू एफ वन, यानी कि इनका मल्टीप्लाई करना है, इसमें एक्स एफ का मल्टीप्लाइंग करना है, यानी कि एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे एफ से, 18 इंटू 15 कितना आएगा 270, 19 इंटू 20 कितना आएगा 380, इस तरीके से सारे सभी का मल्टीप्लाई करेंगे, सभी की वैल्यूज निकल आएंगी। तो हमें लास्ट में क्या करना है कि समेशन एक्स एफ, समेशन एक्स एफ है और समेशन एफ है, समेशन एक्स एफ यानी कि समेशन मतलब जोड़ना, कैलकुलेट करना। एक्स एफ हमने यहाँ पर निकाला निकल चुका आ चुका है। अब यहाँ पर हमने जो एक्स एफ निकाला है उसको हम पूरा टोटल कर लेंगे, उसको कैलकुलेट कर लेंगे, यानी कि 1186 आया है। फॉर्मूले में यह भी लिखा है समेशन एफ, यानी कि फ्रीक्वेंसी का समेशन भी करना है, इसका भी हमें कैलकुलेट करना है, तो इसकी भी हमें पूरा कैलकुलेट कर लेंगे तो कितना आएगा 60।
एक्स बार इज इक्वल टू क्या है, समेशन एक्स एफ। समेशन एक्स एफ कितना है हमारा 1186, 1186 हम यहाँ पे लिख लेंगे, अपॉन समेशन एफ कितना है, समेशन फ्रीक्वेंसी कितनी है 60, समेशन फ्रीक्वेंसी हम यहाँ पे 60 लिख लेंगे। अब हमें इससे डिवाइड कर देंगे, इसको डिवाइड करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा कितना आएगा 19.76। तो जी हमारा आ गया, क्या आ गया जी हमारा, हमने क्या निकाला था ऊपर, ये एवरेज एज निकाली थी स्टूडेंट्स की बीएससी नर्सिंग की, वो हमने यहाँ पर निकाली है। तो इसको हमें किस प्रकार डिनोट करना है, द मीन एज ऑफ स्टूडेंट इज 19.76 ईयर, यानी कि लगभग एक एवरेज एज निकल कर आ गई है, ये होता है इसका मैटर। अब हम बात करेंगे कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी के बारे में, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी से मीन कैसे निकाला है। कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी से मीन निकालने के लिए एक डिफरेंट फॉर्मूला होता है, तो देखते हैं। चलो, इन केस ऑफ कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी टेबल मैथमेटिक मीन कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग फार्मूला। जो फार्मूला ये दिया गया है यहाँ पर, इस फार्मूले के से अकॉर्डिंग हम मीन निकालेंगे। एक्स बार इज द मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवेल एंड एफ इज द करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी। एक्स बार है जो एक मिड पॉइंट है यहाँ पर, और करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी होती है एफ, जो कि पहले से दी गई होती है किसमें, सेट में या फिर कुछ सीरीज में, स्टैटिकल सीरीज में पहले से दी गई होती है, और हमें एक्स बार निकालना पड़ता है। एक्स बार किस प्रकार से निकाला था, यानी कि कंटिन्यूस डाटा है 18 to 20, इस तरीके का कंटिन्यूस डाटा बोलते हैं इस तरीके की वैल्यूज को। इसमें मिड पॉइंट है 19, तो इसकी मिड पॉइंट मिड वैल्यू हो गई कितनी 19, तो एक्स बार इज इक्वल टू 19, इस तरीके से निकालेंगे हम। तो हम इसे एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। एग्जाम्पल है, फॉलोइंग द डाटा गिव्स द एज ऑफ मदर्स एट द टाइम ऑफ गिविंग बर्थ टू देयर फर्स्ट चाइल्ड, यानी कि कितनी मदर ने किस एज में अपने पहले बच्चे को जन्म दिया है। यहाँ पर लिखा है एज मदर्स, यानी कि 18 मदर्स, 18 माताओं ने अपनी 18 से 20 साल की एज में पहले बच्चे को जन्म दिया है। इसी प्रकार सभी की एज और कितनी मदर ने जन्म दिया है लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला दिया गया हुआ है, फॉर्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स एफ अपॉन समेशन एफ। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मिड पॉइंट का फॉर्मूला ये होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन टू, यानी कि एल प्लस यू अपॉन टू। लोअर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट यहाँ पर 18 होती है, अपर लिमिट यहाँ पर 20 होती है। अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ऊपर रखेंगे और उसमें 2 का डिवाइड कर देंगे, तो तुम्हारी वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो ये होता है मिड वैल्यू का फॉर्मूला। अब आगे इस सवाल को हमें इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, इस क्वेश्चन को हमें इस तरीके से लिखना है, यानी कि इन क्लास इंटरवल ऊपर वाली एज लिख ली है यहाँ पर, मदर्स हैं, मदर्स की फ्रीक्वेंसी कितनी है वो हमने यहाँ पर नोट कर लिया। अब हमें एक्स नहीं दिया गया है, अब हमें इसमें एक्स बार निकालना है। तो एक्स बार निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट को हम एक्स से डिनोट करते हैं, तो एक्स हमें निकालना है। एक्स निकालने के लिए, जैसे मैंने बताया कि मिड पॉइंट निकालने के लिए हमें फार्मूला ये वाला अप्लाई करना है, 18 प्लस 20 तो कितना हो गया, यानी कि 18 प्लस 20 38, उसमें 2 का डिवाइड करेंगे, 2 का डिवाइड करने पर आएगा 90। तो इसी तरीके से सभी संख्याओं का हमें मिड पॉइंट निकाल लेना है। मिड पॉइंट निकालने के बाद हमें एक्स और एफ का मल्टीप्लाई करना है। एक्स और एफ का मल्टीप्लाई करने पर हमारा एक्स एफ निकलेगा। सभी का एक्स एफ निकलने के बाद हमें इनको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने पर, यानी कि समेशन का मतलब होता है टोटल, इसका टोटल कर लेंगे हम, तो टोटल हमारा आ रहा है 1874, और फ्रीक्वेंसी का टोटल आ रहा है, फ्रीक्वेंसी यानी कि समेशन एफ है यहाँ पर 80। जैसे फॉर्मूला लिखा, समेशन एफ यानी कि फ्रीक्वेंसी का समेशन करना है, और समेशन एक्स एफ यानी कि समेशन इनका जोड़ना है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम जो हमने अभी कैलकुलेट किया है, समेशन किया है, उसको हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग उस पुट करेंगे। जैसे कि समेशन एक्स एफ कितना था हमारा 1874 लिखा हुआ है, समेशन एफ है हमारा 18, तो 18 हमने यहाँ पर पुट किया है।
तो हम 18 से अब इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पर हमारा कितना आएगा एक्स बार 23.4 आया। तो 23.4 आया तो ये आया हमारा क्या निकल के तो लगभग 23 साल की महिला ने अपनी पहले बच्चे को जन्म दिया है। तो यहाँ पे हमने रेफरेंस देंगे द मीन एज ऑफ मदर्स ऑफ 23.4 ईयर्स। तो ये हमारा आंसर है। आज का टॉपिक हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सभी तक इस वीडियो को पहुंचाएं, जिससे कि इस वीडियो से वो अपना इसका लाभ ले चुके हैं। थैंक यू सो मच।